केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 30 जुलाई को इंदौर में हुए चुनावी दौरे के बाद प्रदेश भाजपा के दो टॉप लीडर्स ने कांग्रेस के आला नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा प्रदेश और देश में अपनी तीखी बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कार्यशाला से प्रदेश अध्यक्ष तक का सफर तय करने वाले तेज तर्रार नेता विष्णु दत्त शर्मा कदम से कदम मिलाकर नरोत्तम मिश्रा का खूब साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रही मध्य प्रदेश भाजपा को जब से केंद्रीय नेतृत्व का साथ मिला है तभी से प्रदेश में तीखी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर परंपरागत बयानबाजी इन दिनों सूबे में पुरवाई की तरह फैल रही है। अमित शाह के दौरे के बाद भाजपा एक्शन मोड में है। चुनाव प्रबंधन समिति घोषणा पत्र समिति का विस्तार करके संगठन और पार्टी को मजबूत करने की दिशा में भाजपा पहले ही आगे बढ़ चुकी, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के आला नेताओं ने कांग्रेस को आड़े हाथ लेकर तीखी बयानबाजी शुरू कर दी है। कांग्रेस ऐसे में क्या रणनीति तैयार करती है ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। तो कांग्रेस देखो, जो कांग्रेस हजारों में ट्रांसफर 15 महीने में कर दे, बल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दे, पूरा बल्लभ भवन दलालों से भरा रहे, आकंठ कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी, इस चलने वाली सतत प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया पर उंगली उठा रही है, ये सोच का और शोध का विषय। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।